ये रेसिपी जो की है ऑलिव सैलेड विद फ्लैक्स सीड्स जी। सबसे पहले बना लेते हैं इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाना बहुत आसान है इसकी। ये जो ऑलिव ऑयल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके साथ मेरे पास है शहद और ये मस्टर्ड यानी कि सरसों। आप चाहे तो सरसों का तेल नॉर्मली ड्रेसिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत पंजेंट रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जी जी, ये ले रहे हैं हम। हाँ। और इसमें ये थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी मिठास अब मैंने डाल दी है। हाँ। और शहद के साथ ये थोड़ा सा सरसों का पेस्ट यानी कि मस्टर्ड पेस्ट, ये थोड़ा इसमें तीखापन लाने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद भी आता है उसका। नमक ये डाल दिया, इसके साथ साथ फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। और अब इसका जो छिलका है इसे हमें उतारना है। राइट, तो ये सेगमेंट्स हम निकाल रहे हैं। काफी व्यूअर्स ये जानते नहीं थे, बिल्कुल। तो जो खाने के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं, और आप इतनी अच्छी अच्छी यूजफुल और प्रैक्टिकल टिप्स देती हो तो दोनों का ही मेरे ख्याल से फायदा होता होगा हमारे व्यूअर्स को। यही तो ये लोग चाहते हैं। और ये जो है हिस्सा, इसे हमें इस्तेमाल करना है ड्रेसिंग में, तो वेरी कैजुअली इसको हम प्रेस करेंगे। ध्यान रखें कि बीज अभी भी इसमें है, तो बीज नहीं गिरने चाहिए, वरना अगर मुंह में आ जाए तो बहुत ज्यादा कड़वे लगते हैं। अच्छा, सैलेड तो सैलेड एंड ऑफ द डे, तो जितनी ज्यादा आपको अलग अलग वैरायटी के लेट्यूस या सैलेड के पत्ते मिलते हैं उतना अच्छा है। तो मेरे पास अभी आइसबर्ग लेट्यूस है, तो थोड़े से पत्ते इसके ले लेते हैं। अगर आपके पास कैबेज है, रेड कैबेज है, रोमेन लेट्यूस है, और इसे काटना नहीं है, बस टेयर करना है हाथों से, बड़े बड़े पीसेस में, बाइट साइज चंकी पीसेस में। और ये रोमेन लेट्यूस है, इसके भी थोड़े से पत्ते हम यहाँ निकाल लेते हैं। और ये जो बेस होता है इसका, ये हल्का सा कड़वा होता है। हाँ। तो ये निकाल लेंगे। ये जो रोमेन लेटस होता है ना, आजकल लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा विटामिन के पाया जाता है। अच्छा, जो के विच इज वेरी गुड फॉर बोन स्ट्रेंथ। तो लोगों को जो जोड़ों का दर्द, बैक पेन ये सब हो रहा है, सो फॉर बोन स्ट्रेंथ विटामिन के इज वेरी वेरी गुड। तो ये सैलेड के पत्ते हो गए, लेकिन हम यहाँ का रुकने वाले हैं। थोड़ी सी सब्जियाँ जरूरी है इसमें, तो थोड़ा सा येलो कैप्सिकम और थोड़ा सा पर्पल कैबेज ले लेते हैं, लाल कैबेज। ये आम कैबेज से हल्का सा महंगा रहता है, लेकिन दिखता बड़ा प्यारा है सैलेड में। तो इसकी बारीक बारीक जूलियंस। तो ये टमाटर भी जो है इसके डाइसेस। और अब बचता है ऑलिव, तो थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स है मेरे पास, तो ये ब्लैक ऑलिव्स भी इसमें डाल दिए। और अब इसमें चुकंदर डालना है और कॉर्न डालना है। चुकंदर मैं अभी नहीं डालूंगा क्योंकि ये बहुत कलर छोड़ेगा और पूरा सैलेड का रंग लाल हो जाएगा। yeah, उसके पहले ये कॉर्न, ये इंडियन कॉर्न है, और ये चेरी टमाटर। इसके साथ साथ हमें ये जो ड्रेसिंग है जो हमने बनाई थी, ये इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये स्पून से मिक्स कर लेते हैं ड्रेसिंग। ये मेन पार्ट है आपके सैलेड का, बिल्कुल। और ड्रेसिंग हमेशा अंत में जब आप इसे परोस रहे हैं, वरना जो सैलेड का क्रिस्पीनेस है वो चला जाता है, इसलिए ड्रेसिंग हमेशा आखिरी वक्त में। और फिर एक बार इसे टॉस करेंगे। चलिए, काफी सारी चीजें अब इसमें। और अब ये एक बोल में हम निकाल लेते हैं सारे सैलेड को। अगर आप बच्चों के लिए दे रहे हैं तो देखिए कि थोड़े से छोटे पीसेस काटें, क्योंकि वो अचानक से इतना बड़ा चंक उनके मुंह में ना आ जाए। लेकिन मुझे तो ऐसे चंकी पसंद है। तो ये चुकंदर के डाइसेस इसके ऊपर, खूब सारा फ्लैक्स सीड्स जी इसके ऊपर, और थोड़े से ऑलिव्स अगर बचते भी हैं आपके पास तो ये भी गार्निशिंग में काम आते हैं। तो ये ऑलिव्स यहाँ पर, तो ये भी थोड़ा सा फ्रूटीनेस इसमें दे देगा। और अब ये जो सैलेड यानी कि ऑलिव और फ्लैक्स सीड सैलेड, ये अब बिल्कुल तैयार है।
ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल में 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 कप ऑरेंज जूस डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब एक दूसरे बोल में सैलड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप आइसबर्ग लेटस, 1 कप रोमन लेटस, 1/4 कप कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 1/4 कप कटा हुआ लाल पत्ता गोभी, 1 टमाटर कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स, 2 बड़े चम्मच इंडियन कॉर्न, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ चेरी टमाटर और आखिरी में ड्रेसिंग डालकर अच्छे से टॉस करें। अब चुकंदर, फ्लैक्स सीड्स, ब्लैक ऑलिव्स और ऑरेंज सेगमेंट्स के साथ गार्निश करें और ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ऑलिव सैलेड विद फ्लैक्स सीड्स रेसिपी तैयार है।